तो अभी हम देखते हैं कि बॉर्डर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल किस्म के। तो यहाँ पे मैं जाके इंसर्ट पे जाके एक ब्लैंक पेज एड करा रहा हूँ, और यहाँ पे जाके जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे हम देख लें अप्लाइंग डिफरेंट बॉर्डर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना है कि ये कैसे होगा काम। अब यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, सिंपल सा टेबल बना देते हैं, और टेबल बनाने के बाद ये आपको सिंपल सा टेबल नजर आ रहा है। तो यहाँ पे टेबल का जो डिजाइन टैब है ये आपको इस काम में हेल्प करेगा। कैसे, जैसे आप अगर सेलेक्ट करते हैं इसको तो ये तो बने बनाए डिजाइंस हैं। अब इन डिजाइंस में क्या होता है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये इसी तरह से, अगर आप इन सब पे से चेक हटा देंगे तो क्या होगा, जैसे आप हेडर रो पे क्लिक करेंगे वो डार्क हो जाएगी, टोटल रो पे क्लिक करेंगे वो बोल्ड हो जाएगी, बैंडेड रो पे क्लिक करेंगे एक रो छोड़ के एक रो पे कलर आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे उसका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, लास्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे उसका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, बैंडेड कॉलम पे क्लिक करेंगे एक कॉलम छोड़ के दूसरे कॉलम पे कलर अप्लाई हो जाएगा। आप चाहें तो इनमें से कोई भी एक फंक्शनलिटी को ऑफ कर सकते हैं, मतलब अगर हमारे पास कोई ऐसा डेटा है और उसके ऊपर ये सारी चीजें अप्लाई करते हैं तो यहाँ से हम गए क्विक टेबल में, और क्विक टेबल में जाने के बाद यहाँ से हमने ये कोई भी एक टेबल ले लिया। अब इस टेबल के ऊपर हम जब ये चीजें अप्लाई करेंगे तो देखें आपको चेंजेस नजर आएंगी, फर्स्ट कॉलम बोल्ड हो गया, लास्ट कॉलम बोल्ड हो गया, बैंडेड रो एक रो छोड़ के एक रो के ऊपर शेड अप्लाई हो गया, लास्ट बैंडेड कॉलम एक कॉलम छोड़ के एक कॉलम पे शेड अप्लाई हो गया, हेडर रो बोल्ड हो गई। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से इजिली कर सकते हैं, लेकिन ये तो वो है जो हम कर पा रहे हैं। इस तरह शेड हम अपनी मर्जी की भी दे सकते हैं। लेट सपोज इसको सेलेक्ट करके मैं अपनी मर्जी का शेड देना चाहता हूँ, तो यहाँ से मोर कलर्स में जाके कोई भी एक शेड यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ, वो शेड इस पर अप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर इस रो पे कोई शेड देना चाह रहा हूँ तो यहाँ से क्लिक करके कोई भी एक शेड यहाँ से अप्लाई करूंगा वो इस पर अप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर इस हिस्से को कोई शेड देना चाह रहा हूँ तो उसको सेलेक्ट करके यहाँ से कोई भी शेड दूंगा तो इस पर अप्लाई हो जाएगा। शेड को खत्म करना चाह रहा हूँ तो सेलेक्ट करके यहाँ से शेड पे क्लिक करके नो शेड करूंगा तो शेड्स खत्म हो जाएंगे। अब आते हैं बॉर्डर के ऊपर। ये जो बॉर्डर इस पर अप्लाई हुआ हुआ है ये दो तरह का है, एक है बॉर्डर एक है ग्रिड लाइन। बॉर्डर और ग्रिड लाइन में क्या फर्क है, देखिए बॉर्डर प्रिंटेड में प्रिंटिंग में आएगा और ग्रिड लाइन प्रिंटिंग में नहीं आएगी। तो ये बॉर्डर और प्रिंट लाइन का पता कैसे चलता है, फाइल में जाएंगे यहाँ से क्लिक करेंगे प्रिंट के ऊपर तो यहाँ पर आपको नजर आएगा, देखिए जो नजर आ रही है लाइन वो बॉर्डर है, जो नजर नहीं आ रहा यहाँ पे वो बॉर्डर नहीं है वो ग्रिड लाइन है। तो ग्रिड लाइन्स आपको ये नजर आ रही है, ये प्रिंटिंग में नहीं आती, ठीक है। अब इनको बॉर्डर कैसे देते हैं, अगर देखिए पूरे टेबल को बॉर्डर देना है तो यहाँ पे जाके क्लिक कर दें, ये पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। टेबल डिजाइन में जाके यहाँ से आप क्लिक करेंगे बॉर्डर्स पे और यहाँ से आप कहेंगे ऑल बॉर्डर। जैसे ऑल बॉर्डर कहेंगे तो आप नोट करेंगे कि पूरे टेबल पे एक ही किस्म का बॉर्डर यहाँ पे देखेंगे आप अप्लाई हो जाएगा और वो प्रिंटिंग में भी आएगा। सिमिलरली अगर आपको बॉर्डर खत्म करना है, वंस अगेन इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके यहाँ से जाएंगे टेबल डिजाइन में और बॉर्डर पे जाके कहेंगे नो बॉर्डर। तो जैसे बॉर्डर खत्म करेंगे तो ये ग्रिड लाइन्स है, ये प्रिंटिंग में नहीं आएंगे। तो आप फाइल में जाके जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें कोई भी प्रिंटिंग में नहीं आ रही। सिमिलरली अब आपको अलग अलग बॉर्डर देना है तो आपने इस कॉलम को सेलेक्ट कर लिया और इसको टेबल डिजाइन में जाके यहाँ से इसको अलग बॉर्डर दे दिया, ठीक है, और इसको सेलेक्ट कर लिया और उसको जाके अलग बॉर्डर दे दिया। अब बॉर्डर में भी डिफरेंट टाइप्स हैं, मिसाल के तौर पर मैंने दो साइड पर बॉर्डर दिया है तो फोर अराउंड बॉर्डर दो साइड पर इस तरह से अप्लाई होगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि सिर्फ डिफरेंट और मुख्तलिफ किस्म के बॉर्डर्स को ट्राई करूँ। जैसे मैं इसको यहाँ से कहता हूँ नो बॉर्डर, तो अब बॉर्डर खत्म हो गया, ये ग्रिड लाइन्स है। ग्रिड लाइन ऑन ऑफ कहाँ से हो सकती है, वो लेआउट के अंदर जाके यहाँ एक बटन दिया हुआ है ग्रिड लाइन्स का, तो जैसे ही क्लिक हटाएंगे ग्रिड लाइन्स ऑफ हो जाएंगी। लेकिन ग्रिड लाइन्स ऑफ होकर टेबल प्लेन इस तरह से जब नजर आएगा जब बॉर्डर अप्लाइड नहीं होंगे। अगर बॉर्डर अप्लाइड होंगे ग्रिड लाइन्स को ऑफ कर देंगे तो बॉर्डर नजर आएंगे, बॉर्डर ऑफ होंगे और ग्रिड लाइन को भी ऑफ कर देंगे तो टेबल इस तरह से प्लेन नजर आएगा। तो ग्रिड लाइन को ऑन कर लेते हैं, टेबल डिजाइन में चले जाएंगे। अब बॉर्डर में मतलब ये कि मैं सिर्फ चाह रहा हूँ रो वाला बॉर्डर देना, तो मैंने अपना टेबल को सिलेक्ट किया, यहाँ से बॉर्डर पे क्लिक किया और देखें लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे इनसाइड हॉरिजॉन्टल। जैसे इनसाइड हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया, यहाँ से फाइल पे जाके प्रिंट पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे जाके नोट करेंगे जो बॉर्डर अप्लाई हुआ है वो लाइंस वाला हुआ है, कॉलम्स वाला अप्लाई नहीं हुआ। सिमिलरली अगर मैं इसी को सिलेक्ट करके टेबल डिजाइन में जाऊंगा और यहाँ से बॉर्डर पे जाके नो बॉर्डर करूंगा, सिलेक्ट करके यहाँ से जाके इसको मैं कहूंगा इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर, तो ये जो अब बॉर्डर अप्लाई हुआ है वो इस तरह का बॉर्डर अप्लाई हुआ है जो किस तरह वर्टिकल लाइंस में होगा पर रोज की शक्ल में नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ से जाके दोबारा टेबल डिजाइन में कहता हूँ और बॉर्डर्स में जाके कहता हूँ नो बॉर्डर और इसको एक बॉर्डर देता हूँ जो कि स्क्वायर आउटसाइड बॉर्डर है, तो अब जो बॉर्डर अप्लाई होगा वो आउटसाइड बाउंड्री पे होगा और इनसाइड पर कोई बॉर्डर अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम इस चीज को आगे देखें तो बॉर्डर में जाके कट्स को नो बॉर्डर करते हैं और मैं सिर्फ इसको जाकर कहता हूँ इनसाइड बॉर्डर्स, तो अब जो बॉर्डर अप्लाई होगा वो इस तरह का बॉर्डर होगा जो इनसाइड अप्लाइड हो रहा होगा लेकिन आउटसाइड पर अप्लाइड नहीं होगा। और सिमिलरली अगर मैं जाके यहाँ से इसको कहता हूँ ऑल बॉर्डर्स, तो ऐसा बॉर्डर अप्लाई होगा जो चार साइड इनसाइड आउटसाइड दोनों साइड पर अप्लाई होगा, ठीक है। ये तो हो गया एक तरह का बॉर्डर। अब अलग अलग बॉर्डर कैसे अप्लाई करेंगे, मैं चाहता हूँ कि इसकी बाउंड्री पे थोड़ा मोटा वाला बॉर्डर दूँ, तो सिलेक्ट कर लिया इसको और यहाँ से बॉर्डर पर क्लिक करके चल गए बॉर्डर्स एंड शेडिंग के अंदर। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम बॉर्डर का, कस्टम बॉर्डर में यहाँ पर आपको बहुत सारे बॉर्डर मिल जाएंगे, जो बॉर्डर आपको समझ में आ रहा है उसको क्लिक करें और उसकी बाउंड्रीज पर इस तरह एक एक करके अप्लाई करना शुरू कर दें।
और जैसे ही ओके करेंगे तो अब आप नोट करेंगे फ्रंट व्यू के अंदर कि जो बॉर्डर अप्लाई हुआ है वो अंदर थिन बॉर्डर है, जबकि आउटसाइड पे डबल वाला बॉर्डर अप्लाई कर दिया है। इसी तरीके से अगर और इसको भी गहरा बॉर्डर देना है तो टेबल डिजाइन में जाएंगे, बॉर्डर्स पे जाएंगे और बॉर्डर शेडिंग पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें और भी मोटे मोटे बॉर्डर मिल जाएंगे। जैसे अगर हम चाहते हैं कि यही वाला बॉर्डर थोड़ा मोटा करके इस्तेमाल करें, मतलब थिक करें, तो थिक करने के लिए नीचे देखें विड्थ दी हुई है और इसको कितना थिक करना है कर लें, और यहाँ से फिर आप क्लिक करें कहाँ कहाँ पर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं। मैंने बाउट साइड पे कर दिया अप्लाई, और यहाँ से जाके फाइल पे जैसे प्रिंट करेंगे तो अब आप नोट करेंगे कि जो अब बॉर्डर अप्लाई हुआ है वो थिक है और अंदर वाला थिन है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप अंदर कुछ और किस्म के बॉर्डर्स को लगाना चाह रहे हैं तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे टेबल को, और यहाँ से टेबल डिजाइन पे जाएंगे और क्लिक करेंगे बॉर्डर्स एंड शेडिंग पर, और अंदर हम चाह रहे हैं कि ये डॉटेड बॉर्डर आए, ये वाला डॉटेड, तो डॉटेड बॉर्डर को लेंगे और ये सिर्फ वर्टिकल पे आए, और ये वाला जो बॉर्डर है ये डबल लाइन वाला और इसकी थिकनेस को हम यहाँ से सेट करेंगे, और ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन में नजर आए, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। और जैसे ही ओके करेंगे तो अब आपको देखें अलग किस्म के बॉर्डर देखने को मिलेंगे तीनों चारों। देखें ये बिल्कुल थिन सी डॉटेड आ रही है, ये डबल लाइन बॉर्डर है, और ये थिक बॉक्स बॉर्डर है। तो इस तरह के बॉर्डर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन इनमें हमने बॉर्डर पे कलर देना तो सीखा ही नहीं, ये बॉर्डर को भी कलर दे सकते हैं क्या? क्यों नहीं दे सकते? हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, अब हम थिक बॉर्डर का कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ से हम गए टेबल डिजाइन में और यहाँ से क्लिक किया हमने बॉर्डर्स एंड बॉर्डर शेडिंग पे चले गए। अब ये जो मोटा वाला बॉर्डर लगाया था ये हमने सेलेक्ट तो कर लिया है, लेकिन इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज अब मैं ये वाला बॉर्डर चाहता हूँ कि इस कलर का नजर आए, तो मैंने दोबारा से क्लिक करना शुरू किया उन्हीं जगहों पे, और दूसरे वाले बॉर्डर को चाहता हूँ कि वो ग्रीन कलर का नजर आए, तो थोड़ा डार्क ग्रीन कलर यहाँ से ले लेते हैं, और यहाँ पे मैंने क्लिक करना शुरू किया इन जगहों पे। तो अब आप नोट करेंगे ओके करके तो फाइल में जाके जैसे ही कंट्रोल पी करके या प्रिंट के अंदर जाके देखेंगे तो अब आपका बॉर्डर कलर शेड्स के अंदर भी नजर आएगा। सिमिलरली आप इस तरह से मल्टीपल बॉर्डर हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, और बॉर्डर्स खत्म करने हो या दोबारा से रीसेट करने हो तो बॉर्डर्स में जाके बॉर्डर शेडिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ से नन करेंगे, ओके करेंगे, वंस अगेन बॉर्डर्स एंड शेडिंग पे क्लिक करेंगे, और अगर थिन सा बॉर्डर दे रहा है तो यहाँ से अपनी थिकनेस को सेट कर लेंगे, उसको स्टाइल को चूज कर लेंगे, और यहाँ से बॉक्स बॉर्डर दे देंगे, तो ये देखिए बॉक्स बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे जाके उसको कहेंगे ऑल बॉर्डर तो ये बॉक्स पे भी अप्लाई होगा और इन साइड भी अप्लाई हो जाएगा, बशर्ते कि आप यहाँ से अपना स्टाइल और अपना जो उसका जो थिकनेस है वो चूज करके रखें, ताकि ओके करने पे वो इजीली इस पर अप्लाई हो जाए। और जब वो उस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर से आपको प्रिंट में नजर आएगा, वहां बैठो, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से वो आपको नजर आने लग जाएगा। तो ये है हमारा डिफरेंट तरीके से बॉर्डर देने का तरीका। अब आ जाए इसके ऊपर, जो आप बॉर्डर देना चाह रहे थे कि बाउंड्री भी कौन सा बॉर्डर देना चाह रहे हैं, थिक बॉर्डर देना चाह रहे हैं, तो सेलेक्ट किया आपने उसको यहाँ से, और यहाँ से गए टेबल डिजाइन में, यहाँ से क्लिक किया बॉर्डर्स एंड शेडिंग में, और यहाँ से बॉक्स बॉर्डर लिया, ठीक है। अब मैं बॉक्स लूंगा तो फिर बॉर्डर खत्म हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिया कस्टम बॉर्डर, कस्टम बॉर्डर लेके यहाँ पे क्लिक किया, इसकी थिकनेस को मैंने यहाँ से चूज किया, सपोज 1 पॉइंट पे रख लिया, और अगर कलर वगैरह चेंज करना है डार्क ब्लू तो यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, और ओके कर दिया। तो ओके करने पे अंदर वाला बॉर्डर तो फिर इसका खत्म हो गया। हाँ, तो अब अंदर वाला बॉर्डर कैसे देंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से ये वाला बॉर्डर देंगे, लेकिन इससे पहले बॉर्डर एंड शेडिंग में जाके हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कौन सा बॉर्डर देना है, पतला वाला कहाँ पे देना है, यहाँ पर और यहाँ पर, ओके करेंगे तो ये देखिए अंदर पतला बॉर्डर आ गया और बाउंड्रीज पे मोटा बॉर्डर आ गया। इसको आप एक साथ भी कर सकते हैं। एक साथ कैसे करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे और पहले चूज करें कस्टम करें, पहले चूज करें इसकी थिकनेस को सेट करें और आउटसाइड पे इस बॉर्डर को इजीली अप्लाई कर दें, फिर दोबारा से आप इसको चूज करें और इसके यहाँ से स्टाइल को चूज करें और इनसाइड आप इस बॉर्डर को अप्लाई कर दें, और जैसे ही ओके करेंगे तो ये देखें इस तरह का बॉर्डर इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा और ये आपका मामला क्रिएट हो जाएगा। अलग अलग बॉक्सेस पे भी कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग सेल को सिलेक्ट करके, अलग अलग रो को सिलेक्ट करके, अलग अलग कॉलम को सिलेक्ट करके और कंपाउंड करके पूरे टेबल को भी सिलेक्ट करके ये आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आज आपने सीखा कि किस तरीके से हम कस्टम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, कस्टम शेड्स अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग सेल्स, अलग अलग रोज, अलग अलग कॉलम और पूरे टेबल पर, और इस तरह से हम अपने जो टेबल वर्क है इसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, ठीक है।